और इसी के ऊपर पूरा मूली को थेचेंगे तब उसकी थिचवाणी बनेगी। और ये देखो गाइस, कंटेंट चल के हमारे घर तक आया है। अंकल जी के बेटे की शादी है 18 जनवरी की, तो एक कंटेंट आ गया। तो दीदी बहुत टाइम से सोच रही थी कि अब जाऊंगी, लेकिन दीदी को टाइम ही नहीं लगा है। दीदी ये लगा कि ये थोड़ी सी हैवी हो जाए, हाँ, तो इसको गुगू मुगू को मैं उठाऊंगा। तो जिस खुशखबरी की हम बात कर रहे थे वो गेट की भारी आई। कहाँ है, दिखाओ खुशखबरी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। और आज का व्लॉग होने वाला है इंटरेस्टिंग, क्योंकि दिव्या पहली बार बनाने जा रही है कोई पहाड़ी डिश। कोई नहीं मतलब खिचवाड़ी, वो भी मूली की। पहली बार नहीं बना रही राहुल, ऐसे बोल रहे हैं, झूठ मत बोल। नहीं, पहली बार बना रही हूँ मैं, पर उस टाइम जो मूली थी वो यहीं की थी, दिल्ली की। और पहाड़ी मूली आ जाइए तो मैंने बाल, तो पहाड़ी मूली मतलब पहली बार तो पहाड़ी मूली की थिचवाड़ी बना रही है। मूली की थिचवाड़ी दूसरी बार बना रही है, लेकिन पहाड़ी मूली की थिचवाड़ी पहली बार बना रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी है वो मूली। ये देखो, कुछ लोग सोचेंगे ये आलू है, पर नहीं गाइस, ये मूली है। इसके बड़े वर्जन को मूला भी कहते हैं। और ये देखो, ऐसे खेत से निकली हुई है, मिट्टी से जस्ट अभी उखाड़ी है। और बहुत सारी मूलियाँ पड़ी है ऐसी छोटी छोटी हमारे पास, तो इन मूलियों की बनेगी आज खिचवाणी। और खिचवाणी ऐसे नहीं बन रही कि नॉर्मल ढंग से काट कूट के, दिखाता हूँ आपको उसके लिए क्या लेके आई है दिव्या। ये देखिए गाइस, ये है सिलबट्टा। सिलबट्टा कहते हैं इसको, सिल है ये। अच्छा, बट्टा वो होता है पीसने वाला है, तो ये है सिल। और इसी के ऊपर पूरा मूली को थेचेंगे तब उसकी थिचवाणी बनेगी, तो अच्छी बनेगी ऐसी ही। बस खाने के बाद फिर तो झूठी तारीफ करनी पड़ जाती है ना व्लॉग में। तो गाइस, पहले प्रोसेस की स्टार्ट हो रही है मूली काटने से। और यहाँ अनुज कैसा लग रहा है तेरे को, दिव्या बना पाएगी थिचवाणी की नहीं? बनाए या ना बनाए, मैं तो खाता ही नहीं हूं। खाता ही नहीं है, पर फिर भी जो खाते हैं उनके लिए सही बनाएगी, उनके लिए ना। या फिर जैसे सारा खाना बनाती है वैसे ही बनेगा। खाना तो बहुत टेस्टी बनाती है। खाना टेस्टी बनाती है, बोल दिया उन्होंने झूठ। दिव्या को अपने हस्बैंड का और अपने भाई दोनों का ख्याल रखते हुए कुछ और नहीं बनाएगा। दोनों का ख्याल पड़ रहा है, खाना पड़ रहा उसे। दोनों का ख्याल रखते हुए कुछ और भी बनाएगी दिव्या। सिर्फ खिचवाणी में मत टाला में। ये ना हो जाएगा क्या, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी पहाड़ी डिशेस अगर तुम लोग नहीं खाओगे। पहाड़ियों के अगर हम ये नहीं खाएंगे तो आगे किसी को कोई भी नहीं खाएगा। जैसे वो होता है ना, एक्सटिंक्ट जानवर होते, लुप्त हो जाएंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि पहाड़ी डिशेस है क्या। तो अच्छी बनाएगी तो खा लेंगे, और जैसे नॉर्मल बनेगी तो क्या ही करेंगे, फिर खानी पड़ेगी। अब बस तेरे ऊपर है कि खाएंगे या खानी पड़ेगी। और ये देखो गाइस, खिचवाणी बनाते बनाते बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया है हमने, और कितना रसीला जो ये संतरा है ना। और दिव्या खा रही है कैसे, दिव्या दिखाई दे, शक्ल दिखाई हुआ देखो, चोरी कीनू मेरी फेवरेट है। ये देखो, कोई काटना नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा इसी में। कई बार तो रोटी लेके खा लेती है ये इसके साथ, है ना, कटोरी का काम करती है फिर ये इसकी। तो गाइस, यहाँ पर मूली को छीलने के बाद उसकी कटिंग की जा रही है। मूली देख के लग रहा होगा वैसे कि बहुत कम है, लेकिन मुझे लग रहा है बन जाएगी इसमें। बन जाएगी दिव्या, हैं बहुत है, ऐसा ना हो कि सिर्फ तरी तरी खानी पड़ रही है। मूली की थिचवाणी में थिचवाणी मिली नहीं रही। तो ये मुझे ये बताओ कमेंट करके, आप लोग कैसे बनाते हो मूली की खिचौड़ी। अभी आप मेरी रेसिपी देखना और अपनी बताना, अगर कोई डिफरेंट स्टाइल होगा तो हम वो भी ट्राई करेंगे। वैसे जो आज मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरा स्टाइल भी आज डिफरेंट है और बारी से। आज वैसे कई प्याज भी यूज़ करते हैं लोग, तो लास्ट टाइम मैंने प्याज यूज़ करा था, इस बार मैं प्याज नहीं यूज़ कर रही। और दूसरी चीज़, एक मज़ेदार इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हूँ मैं, वो कौन सा होने वाला है मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी। और तू लोगों से रेसिपी पूछ रही है, मुझे तो लग रहा है कई लोगों ने खाई नहीं होगी कि मूली की थिचवाणी होती क्या। पहाड़ी होंगे उन्होंने तो सब खाई, हाँ पहाड़ियों ने तो खाई होगी, जो हमारे नॉन पहाड़ी है ना उन्होंने नहीं खाई होगी। तो देख लो आप भी कैसे बनती है। मूली की भी एक सब्जी बनाई जाती है जिसको हम पहाड़ी में थिचवाणी बोलते हैं। और ये देखो गाइस, ये थीचने लग गया बट्टे से, पीटने लग गया मूली को, मुझे नहीं पता था ऐसे थीचेगी। तो पूरा थेच दे, पर मैं देख रहा हूँ कि तूने पूरी तरह से नहीं थेची मूली, आधी आधी थेची। ऐसे थीचने का मतलब ही यही है, पूरी थेच देगी तो क्या हो जाता, थीचना ना वो पहले क्या होगा, फिर वो पूरा चूरा बन जाएगा। अच्छा, वो ग्रेवी में पूरा कड़वापन आ जाएगा, इसका बस फ्लेवर आना चाहिए। तो देखो गाइस, पूरी नहीं थेचनी, आधी थेचनी है, और इस सिलबट्टे से थेचनी है, मेन बात है।
उसके बाद ये लहसुन और मिर्च को थेचना है। इसको भी तो इसी से थेचेगी। थेचना मतलब होता है इनको पीसना, अगर किसी को थेचना समझ नहीं आ रहा तो मतलब पीसना। और देख सकते हैं यहाँ पर पेस्ट तैयार हो चुका है, इसको भी पीस दिया गया, जिसमें है लहसुन, भंजीर, मिर्च और जीरा। तो जो मैं बोल रही थी सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं बोल रही थी ना, वो भांग थी है, वो भांग थी। तो इसमें थोड़ी सी भांग भी मिलाई है जिसको हम भंजीर बोल रहे हैं। ये बिना नशे वाली भांग है। तो ये सोच रही है कि टेस्ट से कोई अच्छी तारीफ करे ना करे, पर नशे में तो कर ही देगा तारीफ की अच्छी बनी है। तो अच्छे से ठेचा दार है, इसको भी पीसा जा रहा है, मसाला तैयार हो रहा है। यहाँ ये तैयार दिखाई दिया मैंने आपको। तो शुरू कर दिया दिव्या ने बनाना, धीरे धीरे दिखाएंगे हम आपको कि ये क्या कर रही है, और फिर खा के ही टेस्ट बताएंगे कि कैसा बना है। तो ये देखिए गाइस, इसने कढ़ाई में डाल दिया है, मूली पीसी थी वो भी डाल दी, उसके ऊपर टमाटर डाल दिया, घी डाल दिया, सब डाल दिया। अब क्या क्या रह गया? मैंने जकिया डाला सबसे पहले तड़के के लिए। अच्छा, जकिया और जीरा। तो मतलब तू तड़का लगा रही है बेसिकली। जकिया और जीरा डाला, और जो हमने अभी पीसा था ना उसमें सिलबट्टे में, हाँ, वो डाला। और उसके बाद मैंने वो मसाला, हाँ मतलब वो मसाले डालने के बाद मूली टमाटर ऐसे डाल दिया। बस इसे पकने के लिए, अच्छा पकने के लिए छोड़ देंगे ऐसे, तो मसाला ऐसे ऊपर ही रहेगा। तो अपने आप अभी एक बार जो हो जाएगा ना, हाँ, थोड़ा सा मूली पक जाएगी, अभी मैं इसको धोतूंगी। और ये मैंने सारे मसाले डाल दिए इसके ऊपर जितने भी हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमारी थिचौड़ी बनके तैयार है, काफी अच्छा टेस्ट है। मैंने अभी टेस्ट करके देखा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रही है। चावलों के साथ खाएंगे और ज्यादा टेस्टी लगेगी। और अनुज अपने लिए दाल लेके आ गया है क्योंकि वो थिचौड़ी खाता नहीं है। और यहाँ खाना लग चुका है, आज हम उठे, ये तो कैरम कैरम कैरम, जब देखो कैरम खेलना होता है इसको। और इसको देखो यहाँ आके बस रील देखने में लगी, ये नहीं कुछ कर लूं, कुछ कर लूं है मोटी। क्या बस सिखा रहा है आज तू? कह रहा है कि आज मैं सिखाऊंगा भात के लड्डू कैसे बनाए। वाह, गोल गोल करके खा रहा है ना। पहले ऐसे लो, मैश करना, फिर लड्डू बनाने। ये देखो गाइस, थिचवाणी और चावल, अगर ये टेस्ट करके देखता हूँ कैसी लगती है। वैसे मैंने टेस्ट कर लिया, मस्त बनी हुई है। राहुल हमारे पेट में। और अनुज अपने लिए दाल लेके आ गया क्योंकि इसे थिचवाणी अच्छी नहीं लगती। और अर्णव सब खा लेते हैं। गाइज इतना मजा आया ना हमको तो खा के, थिचवाणी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। और मैं तो कह रहा हूँ आप लोग बनाओ और खाओ, कुछ भी नहीं करना, जो इसने कराया ना बस वही स्टेप कर देना। और थेच, जो थेच के। में हमने करा ना उस मसाले का एक्स्ट्रा ही टेस्ट आ रहा था, मतलब एकदम। मैं मिर्च खाती नहीं, पर आज इसमें बहुत मिर्च थी और मैं मजे ले लेके खा गई सारी। मजा आ गया, मजेदार था आज। तो जिसने नहीं खाया ना, बना के खाओ। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे शाम को, क्योंकि आज सभी के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी, हाँ, तो क्या वो खुशखबरी हम आपको बताएंगे शाम को, तब तक बने रहे हमारे साथ। और ये देखो गाइस, कंटेंट चल के हमारे घर तक आए हैं। अंकल जी के बेटे की शादी है 18 जनवरी की, तो एक कंटेंट आ गया। मैं बताना चाहूंगा अंकल जी के बारे में, हाँ, जहाँ पे हम पहले रहते थे ये ब्लॉक में, तो ये मेरा खास बेस्ट बेस्ट फ्रेंड अनुज और रोहित की दोस्त। मैं अगर अपने बचपन की शुरुआत करूँ तो मेरा बचपन और इसका बचपन, मतलब रोहित साथ ही भी, मतलब हमने सोचा था बड़े होके अंडे बेचेंगे, बिजनेस करेंगे अंडे का बिजनेस, पर वो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और अब कुछ और देख रहे हैं, और ये हमारे दोस्त, और ये पापा के दोस्त वहाँ पे, खास दोस्त। तो छोटे बेटे की शादी है विपिन की, वो हमारा छोटा भाई है। और ये देखिए 18 तारीख की शादी है, की गोद में ही हम पले बड़े हैं। हाँ, अंकल ने खिलाया हमें, तो हम तो अंकल के घर ही पड़े रहते थे। और ये चिढ़ता होगा हैं, बच्चे हमें प्यार इन्हें करते हुए। जब राहुल का मुंडन हुआ था तो सारा खाना अंकल के घर पे लगा था, क्योंकि अंकल का बहुत बड़ा बरामदा था। हाँ, मतलब इसी मोहल्ले में, पर ब्लॉक दूसरा था, वहाँ रहते थे हम, और अंकल जी अभी भी वहीं रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आज भाई आए हैं हमारे, अंकल आए हैं। दिव्या मिलो, कॉफी बना रहे, कॉफी बन रहे। और यहाँ एक और कंटेंट आ गया हमारे दीदी, और ये दीदी को सब जानते होंगे, पहले भी आ रखी है हमारे ब्लॉग में, चीनू दीदी। आज खास मिलने आई है हमारी श्रीवू से, और श्रीवू का बड़ा भाई मुंह नीचे करके बैठा है। श्रीवू का बड़ा भाई, श्रीवू के बड़े भाई मुंह दिखाओ हमारे। ये दीदी का बेटा बड़ा शर्मीला, दिखा दिया फेस। और अर्णव, हो गई तेरी दोस्ती श्लोक से? दोस्ती नहीं हुई श्लोक, दोस्ती करो यार। डॉली तो गेम खेल, गेम खेल ले, ये नहीं दोस्ती कर लूं।
तो दीदी बहुत टाइम से सोच रही थी कि अब जाऊंगी, लेकिन दीदी को टाइम ही नहीं लगा है। दीदी ये लगा कि ये थोड़ी सी हैवी हो जाए, हाँ, तो इसको गुगु मुगु को मैं उठाऊं, लेकिन ये तो बड़ी अभी ऐसी सुकुमारी है हमारी, सुकुमारी, ये हमारी सुकुमारी, सुखी मारी, सुखी सुखी कुमारी, ये मेरी सुकुमारी है, ये इनोसेंट सी और एकदम छुई मुई सी है ये मेरी। अभी हमारा बच्चा बिल्कुल छोटा सा है ना, अभी धीरे धीरे हो जाएगा हेल्दी, छुई मुई, इसका नाम कर दो छुई मुई। और वैसे ये भी ऐसे ही था श्लोक भी है ना, इसकी सगी बहन ही लग रही है ये सच में, कोई कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, जैसी ये थी वैसे ही वो था, वो हंस भी रही है, कह रही अच्छा भैया ऐसे ही थे। तो आ रही है मम्मी भी, अभी मम्मी नीचे किसी को छोड़ने गए। दिव्या यहाँ कॉफी बना दो, यहाँ खाने की तैयारी हो रही है रात के। ये देखिए दाल बन रही है, ये जो दीदी है, दीदी आती है और मम्मी खुश हो जाती है, क्यों खुश हो रही है दिखाता हूँ जरा। ये पहले श्रीवी का गिफ्ट देखो, कितना प्यारा सा गिफ्ट, वाव, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुक लाइक वाव, ओहो ये नेल कटर भी इसका, और ये देखो कपड़े, हाँ भाई कपड़े आ गए, खुश हो गई, ये देखो क्या क्या लाई है दीदी, अरे ड्राई शीट भी लाई है दीदी, और मम्मी के लिए ये, और मम्मी के लिए भी, श्रीवी की दादी के लिए भी ले आई ब्लैंकेट। बेटियाँ ऐसी तो होती, उसने सोचा भाई ध्यान नहीं रख रहे, मेरी भाभियाँ ध्यान नहीं रख रही, माँ के लिए गरम चादर, इसलिए लाए हो आप, बिल्कुल नहीं, मैं तो आप जब बेटी ने दे ही दिया है तो आज से बाहर सोना, ये लो इसके साथ, सर्दी अभी बढ़ गई है, अब सही, अब घर के बाहर, नहीं नहीं अब दे दिया है तो अब घर के बाहर ही दिखेंगी, ठीक है मम्मी, ठंड भी ज्यादा है, लपेट अच्छे से, मुझे लग रहा है ये तो मुझे लग रहा है ड्राई शीट मम्मी के ही काम आएगी नीचे बिछाने के, ये तो ऊपर से ओढ़ेंगी मम्मी, बड़ा घर है, आपके बेटे बहुत कर रहे हैं, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और ये कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी मेरे बेटों की ऐसी जोड़ी बनी रहे, बस बीच में बेटी आगे पीछे बहू, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये और रात को एक खुशखबरी और मिलने वाली है सभी को, और जिसको मिलने आया उसको तो साइड ही कर दिया, देखो श्रीवी साइड हो गई, तो इनकी बेटी अपनी बेटी को तो पकड़ो, चलो सो ले लो, उसको टाइम है दीदी के जाने का। तो गाइस आज तो बहुत सारे मेहमान आ गए हमारे घर पे, देखो मैंने इसने मेरा ब्रेसलेट ले लिया, नया ब्रेसलेट अपने ले लिया, अबे चलना। और क्या है, अभी एक खुशखबरी है जो बहुत ही जल्द घर आने वाली है, और हम आपको बताएंगे कि क्या है वो खुशखबरी, तो बने रहे हमारे साथ। और दिव्या श्रीवी को बोर कर रही है उसके साथ खेल के, मैं खेलता हूँ थोड़ी देर, तो फिर उसका टाइम पास हो जाएगा। तो जिस खुशखबरी की हम बात कर रहे थे वो गेट की भारी आई, कहाँ है दिखाओ खुशखबरी, ओ दीदी आ गई, हेलो दीदी, और यहाँ पर आ चुकी है दीदी, नमस्ते, सोना भी आ गया है, इसको देखा होगा आपने फरीदाबाद में, अरना इसी के चक्कर में फंसा था, और जीजा जी भी, नमस्ते जीजा जी, ये सब आ गए हैं देखो यहाँ पर। और सबसे ज्यादा खुशखबरी है ये हमारे लिए, डॉली के लिए नहीं है, और सुबह के निकले हुए ये पहुंच गए हैं अब घर पर, और अब ये आ गए तो और ज्यादा मजे आने वाले हैं। गाइस आप लोग व्लॉग देखना ना भूले, क्योंकि है ना अर्नब, अब और मस्ती होने वाली है, मस्ती अनलिमिटेड होने वाली, क्योंकि ये मोटा और ये मोटा जब साथ में मिलते हैं तो बिल मोटा स्क्वायर हो जाता है, और मोटा मोटा स्क्वायर हो, सोना हाय तो बोल हमारे व्यूअर्स को, ये देखो किसान बन जा किसान, ये सांपा लाल, और ये देखो फौजी बनने वाला है थोड़ा फौजी कट, ये देखो मेरे भाई का, नहीं भांजे का, और इनके स्वागत में आज हमने खास बनाया, क्या बनाया देखो, ये देखो खास बन रहा है आज शाही पनीर, पनीर अंगारा बना रहे हैं खास, पनीर अंगार अंगार से भरा, ये देखो
ये देखो अंगारा पनीर बन रहा है। गले तो मिलो यार, तुम गले तो मिले नहीं। चलो 1 2 3 गले मिले। ये देखो दो भाई करण अर्जुन, करण अर्जुन और ये यहाँ से अपनी एकेडमी जाने के लिए आया है और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, लाटा कहीं का। यहाँ पानी आ गया इनके लिए। और मैं बताना चाहूंगा, सोना ने हमारी इज्जत रखी हुई है। हाँ, और अर्णव ने तो हमारी नाक कटा दी है, पर सोना ने हमारी नाक अभी बचा रखी। वो तो तेरी नाक थोड़ी ज्यादा मोटी है ना, चक्कर में बच गई अर्णव के कटाने के बाद भी, लेकिन हमारी तो कट गई, इसने कटवा दी, लेकिन सोना ने बचा ली। सोना वेरी गुड, सोना आईपीएस ऑफिसर बन के निकलेगा। हाँ, सोना ऑफिस, और इसको पकड़ेगा जब ये चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा ना, बाइक चुराता हुआ। ठीक है सोना, इसे पकड़ के दो डंडे मारियो। किसके आने पर तू ज्यादा खुश है, मतलब अर्णव भाई पे या सोना भाई पे या मम्मी पापा? अर्णव भाई को छोड़ के सबके। अर्णव भाई को छोड़ के सबके आने पर खुश है, क्योंकि अर्णव भाई के साथ। अर्णव को भेज दे वापस। और आप सोच रहे होंगे कि मम्मी बाहर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि श्रीवी की चल रही है या मालिश, और मेरा बच्चा रो रहा है मालिश करवाते हुए। सोना आ गया है मिलने श्रीवी से। बुआ आ गई, श्रीवी बुआ आ गई, बुआ आ गई, सोना भाई भी आ गया, बुआ भी आ गई, बुआ आ गई भाई, बुआ आ गई। और यहाँ चाय वाय मिल चुके हैं इन्हें, और तन्नु भी आ गई है मिलने दीदी से, भाभी भी आ गई है। अच्छा अब ये बताओ कि नहाई कितने दिनों से नहीं है? और ये नहाई नहीं है। हाँ दीदी ने पूछा कब से नहीं नहाई, कल परसों नहाई, मेरे आने के बाद दो बार नहा गई, चार दिन से नहीं नहाए। ओ गाइस डिनर का टाइम हो चुका है, और खाने में आज है पनीर अंगारा, ये नई डिश है जो भाभी ने बनाई है, दाल सैलेड रायता। तो खाते हैं जल्दी से और फिर बताते हैं कैसा बनाए खाना। चलो भाई खाना रख दिया यार, खाना खा लो। गाना सेलेक्ट कर दिया। और तो गाइस उत्तरायणी में तन्नू भी अब डांस कर रही है, किस गाने पे? वो सरप्राइज है। ये देखिए अब तन्नु और दीदी भी बैठ गई है खाना खाने के लिए, और बहुत ही टेस्टी बना है। बच्चे बता रहे थे, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, बड़े बताएंगे कैसा बना है। दिखने में तो बहुत ही शानदार लग रहा है हमारा पनीर भी और दाल भी। जल्दी से खाते हैं खाना फिर बताएंगे। तो गाइस सबने खाना खा लिया है, आइए जानते हैं। हाँ तन्नु भाई कैसा बना है? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। आइए दीदी से जानते हैं, दीदी तो जिस हिसाब से चाट रही है ना पता चल रहा है कैसा बना है भाई। बहुत ही टेस्टी। जीजू कैसा बना था खाना? दाल की तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। जीजू कह रहे पनीर अंगारा में अंगार कहाँ थी। हाँ भाई अनुज बढ़िया शानदार। देखो सबकी प्लेटें खाली, जब प्लेटें खाली हो जाए इसका मतलब खाना अच्छा बना हुआ है ना। और ये अब हम खाएंगे। और क्या कहते भैया वो कौन है, कौन शालिनी? और शालिनी जी का कहना है कि तन्नु पहले जैसे स्पार्क नहीं रही आप में, आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं आप इतने हसमुख क्यों नहीं रहे आप? मतलब वो स्पार्क नहीं रही, अब वो बात नहीं रही, अब आप में वो बात एक्टिव नहीं हो। अब आप आपकी एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आप यहाँ से कूदोगे नीचे, ठीक है? भैया को पता है मेरे में वो स्पार्क क्यों नहीं था? क्यों? मेरा भाई बताएगा। हाँ जो पार्टी देता है ना वो हिसाब में लगा रहता है कि कितना खर्च हो गया, इस वजह से उसी सोच में रह गई है बेचारी। यार इतने लग गए अभी तक, पैसे तो है ही नहीं इतने। पैसा खत्म तो स्पार्क खत्म। सब पैसे का काम ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगा उनको मेरे कंसर्न है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वैसे ही हूँ। तो जल्दी से हम भी खाना खाते हैं, माल्य भी दिव्य लगा जल्दी बढ़िया सा खाना, और फिर खाना खा के हम करेंगे इस व्लॉग को एंड। गाइस ये देखो राशि ने अपनी जेब में यहाँ से मूंगफलियाँ भर ली है, ये देखो अभी भरी है। मैंने भरी नहीं है, पता है इन्होंने दी है, मेरे दी नहीं है। मैं यहाँ पे देख रहा कि मूंगफलियाँ कहाँ गई, तब से भरने में लगी हुई है। मैंने भरी नहीं है, उन्होंने दी है। भाई क्या भाई वैसे खा ले, ये क्या मतलब एक भर के ले जाएगी घर पे? मैंने भरी नहीं है, मैंने दी ना। अब तो आ गई तो कैप्चर हो गई। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं ऊपर, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।